India has no dearth of resources required for development, but it is wanting in good governance, Prime Minister Narendra Modi said on Wednesday. Modi, while addressing a gathering here in New Delhi to commemorate the birth centenary celebrations of RSS-Jan Sangh leader Nanaji Deshmukh, said, आखिरी छोर के इंसान को हम कुछ नहीं दे पाते हैं। आज भारत सरकार में आने के बाद मैं इस बात से अब सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुंचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नेंस की है, सुशासन की है। जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस है, सरकारी मशीनरी निर्धारित समय में टारगेटेड काम को पूरा करने की आदि है, तो वहां पर बदलाव नजर आता है। आप देखिए मनरेगा, अब मनरेगा की एक विशेषता है, वो बना है गांव के गरीब लोगों को रोजगारी देने के लिए। लेकिन अनुभव ये आता है कि जिस राज्यों में ज्यादा से ज्यादा गरीबी है वहां पर मनरेगा का काम कम हो रहा है, लेकिन जिन राज्यों में कम गरीबी है लेकिन गुड गवर्नेंस है वहां राज्य प्रोएक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा योजना बना देते हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ देते हैं और ज्यादा काम कर लेते हैं। और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए गुड गवर्नेंस पर बल, ये हमारे सरकार का निरंतर प्रयास। मोदी सेड दैट जस्ट विशिंग फॉर डेवलपमेंट इज नॉट एनफ। ही एडेड दैट इनिशिएटिव्स हैव टू बी कंप्लीटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर। He said the original objectives and intentions of the MGNREGA should not be diluted and that the fruits of development must reach the intended beneficiaries.